थे श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार हरप्रीत सिंह होरां दा वड्डा बयान सामने आया है। वोटां दे लई डेरे दा सहारा लेना उन्होंने गलत दस्सिया है। अकाली आगू वलटोहा होरां ने डेरे दे विच कांग्रेसियां दी शमूलियत ते सवाल चुके सी। मनजिंदर सिंह सिरसा नूं डरा धमका के भाजपा दे विच शामिल किया गया। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने कहा मुगलां दे राज वांग भाजपा डरा धमका के लीडरां नूं भाजपा दे विच शामिल करवा रही है। ये बयान जथेदार साहब दे। इस तो पहला अकाली आगू विरसा सिंह वलटोहा होरां ने भी डेरे दे नाल शमूलियत दे इल्जाम लगाए सी कांग्रेसी आगुआं दे। ते हुण श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दा बयान इस मुतलक कहा वोटां दे लई डेरे दा सहारा लेना गलत है। मेरी कल सवेरे सरसे नाल गल होई सी ते मैनूं लग्या कि उन्हां दे अगे भी इह पेशकश रखी गई कि या बीजेपी ज्वाइन करो तो या फिर जेल जाओ। सिखां दी इक वाहिद जथेबंदी है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उहदे प्रेजिडेंट दे उत्ते कल्ले प्रेजिडेंट दे उत्ते नहीं बल्कि 11 होर जिहड़े इलैक्टेड मैंबर ने चुन के आए ने संगत वल्लों उहनां दे उत्ते वोट्स जिहड़े आ उह परचे दर्ज करवाए जांदे ते फिर उहनां नूं जिहड़ा है मजबूर किया जांदा है कि तुसीं इह सारा कुछ छड्डो ते साडे वल आओ। इह मैं समझदा कि बिल्कुल गलत है। मनजिंदर सिंह होरां ने DSGMC दे प्रधान दे अहुदे तों अस्तीफा दिता जिस तों बाद हुण दिल्ली कमेटी दा नवां प्रधान चुनण दी मंग उठ रही है। हरमीत सिंह कालका होरां दा बयान आया कि चोणां करवाउण दे लई अदालत दा रुख करांगे प्रधान दी चोण हुण तक कार्यकारी प्रधान लाया जावे इह वी मंग कीती गई है। सरकारां लगातार सिखां दे मसलियां दे विच दखल दे रहियां ने उन्होंने इह वी इल्जाम लगाए ते भाजपा दे विच शामिल हो जाणा मनजिंदर सिंह सिरसा दा उन्होंने निजी फैसला दस्सिया। बनता माण सम्मान हमेशा पार्टी ने उन्होंने दिता यह भी गल कहते नजर आए। सो हरमीत सिंह कालका होर ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस दौरान उन्होंने नवे प्रधान थापे जाने लेके मंग रखी है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा होर ने एक इस्तीफा दे के अपनी सेवा मुक्त वसे इत्थे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं लिखी है चिट्ठी और इस गल दे उत्ते उन्होंने वर्णन भी उस चिट्ठी दे विच दिता कि म्यान वाली चोणां जिहड़ियां ने उह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां इंटरनल नहीं लड़ांगा। मगर यह चिट्ठी मिलन तो बाद जिस तरीके दे नाल कार्रवाई करन वसे अगे असीं लीगल ओपीनियंस लई है सो अज देश इस्तीफे तो बाद कोई ना कोई होर खुलासे अगे होने वाले जिहड़े सामने आउणगे मगर अज पूरी कमेटी ने मिलके यह फैसला किया कि सानू लीगल ओपीनियन लेंदे हुए कोर्ट के मूव करना पेगा और असी एक या दो दिन मैक्सीमम कोर्ट के जावांगे और इस गल नू सुनिश्चित करावांगे कि जल्द तो जल्द ये इलैक्शन कराई जाए।